सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द जैमर्स। तो आज ना हम पढ़ाई के बारे में बात नहीं करने आ रहे, आज मैं आपको स्टैट्स के बारे में कुछ नहीं बताने आ रहा हूँ। आज मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है, रियल मीनिंग डिसिप्लिन का होता क्या है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोग कितना जीते हैं, कितना टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं अपना, और कितना टाइम खाली हम लोगों के पास यूज़फुल टाइम, यूज़फुल नंबर ऑफ आवर्स हम लोगों की लाइफ में कितने होते हैं। ये एक एवरेज लाइफ स्पैन है, 0 से लेकर 75 साल तक। एक ज़्यादा से ज़्यादा आजकल अगर इंसान जी रहा है तो 75 साल तक जी रहा है। कोई कोई बहुत अच्छे हैं तो भाई 80 साल तक जी जाएंगे। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के कार्डियो से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, हार्ट अटैक जैसे हो गया, किसी का लीवर फेल हो गया, काफ़ी यंग एज पर कुछ लोग डेथ हो जाती है। तो अगर आप, मैं बात करूँ एवरेज की, तो आजकल लोग 75 साल तक ही खाली जीते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि आपको ना, आप बहुत लकी हैं, आप बहुत अच्छा हैं, आपका परिवार वेल सेटल्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कैसे भी हैं आपको 22 साल पे नौकरी मिल जाती है। ओके, आई एम करेक्ट, 22 साल पे आपको नौकरी मिल गई, आपको नौकरी मिल गई 22 साल पे, आप कब तक काम करेंगे? आप बिजनेस भी कर रहे हैं ना, तो 60 साल तक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे तो 65 साल तक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना बिजनेस वगैरह अपने बच्चों को हैंड ओवर कर देते हैं, और आप गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो गवर्नमेंट जॉब से भी आप रिटायर हो जाते हैं। तो अगर आप 22 से लेके 75 साल तक पूरा देखेंगे तो आपके पास केवल 53 साल बचते हैं, 53 ईयर्स हैं आपके पास। ओके, इसमें आप सब कुछ अपनी ज़िंदगी का जितना भी इंपॉर्टेंट काम होता है आप इसी ईयर्स में करते हैं। इसमें आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, आपका घर बनता है, एक नई फैमिली की स्टार्टिंग होती है, हर एक चीज़ होती है। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास जो होते हैं इसमें 19,345 डेज खाली आपके पास इतने डेज रह जाते हैं। लीप ईयर को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ये एक एवरेज चल रहा है। यानी आपके पास 4,64,280 आवर्स कंप्लीट हैं, जिसमें कि आप पर डे आप 8 घंटे सोते हैं। 8 घंटे सोते हैं तो आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1,54,760 आवर्स केवल आप स्लीप को देते हैं, अपनी सोने को, इतना आप टाइम सोने पे। और सोना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ऐसा मत करिएगा कि हटा दिया इतना ज़्यादा टाइम जा रहा है। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका दिमाग वर्क नहीं करेगा, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। आपके पास कितना टाइम बचा? 3,09,520 आवर्स आपके पास बचे, ठीक है। इसके बाद आप ना, आप मुश्किल से मान के चलिए आप 8 घंटे सोए हैं, ठीक है। तो फिर आप दिन में आप कुछ भी नहीं अगर करेंगे ना, तो 2-3 घंटे खाली आप अपनी मौज मस्ती को देते हैं कि भाई दोस्तों के साथ बाहर हो गया, या घर का कुछ भी काम हो गया, आपको बाहर जाना है हर एक चीज, कुछ भी काम। मुझे लगता है लाइफ में ना ये जनरल है, सबको ये काम करने ही पड़ते हैं। आप घर में हैं तब भी आपको काम करने पड़ेंगे, घर के बाहर हैं तो भी आपको काम करना पड़ेगा। तो 58,035 आवर्स आप देते हैं केवल घूमने टहलने, दोस्तों को, और अपनी लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ों को। आपके पास बचे 2,51,485 आवर्स, ठीक। इसमें फिर मैं कहना चाहूँगा, आप 3 घंटे दिन में खाने पीने को देते हैं सिर्फ, आप नाश्ता करते हैं, उठते हैं, नहाते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ है, खाना खाया आपने, लंच किया, डिनर किया, डिनर करते ही तुरंत पढ़ने तो बैठ नहीं जाएंगे आप। तो जाहिर सी बात है फिर से आपका 58,035 आवर्स आप पूरी लाइफ में, अपनी ये जो 53 साल का लाइफ स्पैन है आपका, इसमें आप खाली खाने पीने को देते हैं, तो आपका बचा केवल 1,93,450 आवर्स। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होता ये चीज़, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी के, आप कैलकुलेट खुद करिएगा, ठीक है, आपने कितना टाइम दिया सोने को? 8 घंटा, ठीक है, 8 घंटे, 7 से 8 घंटे आप सोने को देते हैं, 3 घंटे आप देते हैं दोस्तों के साथ टहलने वहलने को, 3 ही घंटे आपका लग जाता है खाना वाना खाने में। इसके बाद आप, यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, और आप देखिए, आप जो है, आपके पास मिनिमम कितने घंटे बचे? 6, 14, 10 घंटे बचे, ठीक है। 10 घंटे में आपको क्या लगता है, आप 10 घंटे पूरे पूरे स्टडी को दे देते हैं, या फिर 10 घंटे पूरे पूरे अपने काम को दे देते हैं? ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। काफ़ी लोग इसमें से 2 घंटे सोशल मीडिया पे अपना इंस्टा चला रहे, व्हाट्सएप चला रहे, फेसबुक चला रहे, फलाना ढिमाका जो भी आप यूज़ करें, आप कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। इसी वजह से कहता हूँ मैं, ये जो आप सोचते हैं ना कि YouTube खाली चला रहे हैं, क्या हो गया भाई, आप अगर 2 भी घंटे पर डे दे रहे हैं तो आप अपने एवरेज लाइफ स्पैन में, मतलब देखा जाए, आप ना 38,690 घंटे अपने बर्बाद कर रहे हैं केवल सोशल मीडिया पे। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ
प्रोडक्टिव कंटेंट चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैशन बॉडी बिल्डिंग है तो आप अच्छे अच्छे एथलीट्स, अच्छे अच्छे चैनल्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल सुपर ह्यूमन फिटनेस हो गया, गुरुमान हो गए, जी सलाल हो गए, इनको फॉलो करें। नहीं तो आप मोटिवेशनल कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी को फॉलो करें, विवेक बिंद्रा को फॉलो करें, काफ़ी अच्छे अच्छे हो गए, मैं सूत्रा हो गए, श्वेता गंगवार हो गए, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या लगता है, आपके पास कुछ 8 घंटे, ठीक, इस 8 घंटे में क्या आप पूरा टाइम पढ़ाई कर लेते हैं? ना, इसमें भी आपके 2 घंटे निकल ही जाते हैं। तो टोटल आपके पास जो बचता है वो बचा 1,16,070 hours। इसको आप डेज में कन्वर्ट करिएगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 4,800 डेज के लिए। अब इन डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, चलिए देखते हैं, आप खुद कन्वर्ट करिएगा इन डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर पर देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कितना है हमारे पास, कैलकुलेटर मेरा, खाली 13 साल होते हैं, ठीक है, 13 साल का वर्किंग आवर होता है, उसमें भी भाई काफी सारे दिन हो जाते हैं, पार्टी हो गई, कुछ हो गया, हर एक चीज, 13 साल भी नहीं रह जाते। मैं तो कहता हूँ पार्टी वार्टी हटा दीजिए आप हर एक चीज़, क्योंकि भाई दिवाली का फेस्टिवल आता है, होली का फेस्टिवल आता है, और इन सब की प्रिपरेशन के लिए बच्चे 1-2 दिन पहले से ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होगी रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि अभी एक कोरोना का बवाल चल रहा है तो काफ़ी सारे बच्चे अपने घर से भागे हैं, तो किसी किसी के पास कोर्सेज वगैरह नहीं है, तो कोई पढ़ नहीं पा रहा, काफ़ी लोग पढ़ भी नहीं पा रहे इसी रीज़न की वजह से। तो मैं मानता हूँ कि ना आपके पास ना खाली 11 साल का टाइम होता है वर्किंग का। आप खुद देखिए 53 साल की, मैंने ना आपका 22 से 60 साल नहीं कंसीडर किया, मैंने आपका 22 से 75 साल तक का कंसीडर किया है, ठीक है, पूरा 75 ईयर्स तक का स्पैन में केवल आपके पास 11 साल का वर्किंग टाइम होता है। अब ना आपको ये डिसाइड करना है कि ये टाइम आपको वेस्ट करना है या फिर ये टाइम आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। मैं आपसे ना एक जनरल एक चीज़ बात, बहुत मतलब बहुत ही छोटी एक माइन्यूट सी बात करना चाहूँगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, ठीक, कि मैं आपको पर डे भाई देखिए इतना रुपया दूं, ठीक, इतना रुपया आपको मैं पर डे दूं, ठीक है, पर डे मैं देता हूँ, अरे दे नहीं पाऊंगा यार, कुछ सीरियस मत हो जाना, बस इसको इमेजिन कर लो ये क्वांटिटी कि मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इतना रुपया पर डे मिलता है, ठीक। और मैं आपसे कहता हूँ अगर आप ये पैसा यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो वो मैं पैसा आपको जितना भी रात में होगा वो वेस्ट हो जाएगा, अगले दिन फिर से मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, अगले दिन इतना, मगर शाम वाला मैं जितना भी आपका बचा होगा वो वेस्ट, आप उसे फर्दर यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या आप इस पैसे को जो आपको पर डे मिल रहा है कोशिश नहीं करोगे कि ये पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाए, ठीक है, बिल्कुल कोशिश करोगे, कुछ नहीं होगा ना तो बुद्धि से बुद्धू, बेवकूफ से बेवकूफ लड़का होगा ना तो आईफोन ले लेगा, जाके कहेगा आईफोन ले लूंगा किश्तों पे लूंगा, आपको 5 से 6 दिनों में मैं किस्तें भर दूंगा, ठीक है। तो मेरे भाई लाइफ आपको 86,400 ये अप्रोक्सीमेटली सेकंड पर डे प्रोवाइड करती है, इतना नंबर ऑफ सेकंड पर डे आपको लाइफ प्रोवाइड करी तो इसे वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी होगी, इसको आपको पर डे लाइफ प्रोवाइड करती है। मैं कहता हूं आप पूरे पूरे तो कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, बट हाँ मैं ये मानता हूं कि आप ना इसमें से कम मिनिमम 46,000 सेकंड ये तो आप बहुत आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं, बहुत आराम से अपने वर्किंग में ले सकते हैं आपके पास, और ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा घंटे नहीं है, मैं आपको बता दूं आप पैसे को वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई, पैसे आपके ड्रीम्स पूरे कर सकता है, बट पैसा आता कहाँ से, आता तो टाइम से ही है, जब तक आप टाइम का सही यूज नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं मुझे टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, मेरे फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि टाइम वेस्टेज हो जाता है मेरा, मेरा दोस्त मेरे घर आ जाता है, मेरे दोस्त मुझे उठा के ले जाते हैं, फलाना ढिमाका, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नौटंकी आप लोग बताते हैं, ये सब ना आप लोग अपने आप को केवल सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि जो आ गया तो मेरा टाइम किल हो गया, नहीं ऐसा नहीं है यार, वो तो बंदा कितनी बार आता है आपके सामने, एक बार आ गया, दो बार आ गया, आप मना कर दिए तीसरी बार,
मना रूडली ना करिए, आप नॉर्मली कह दीजिए कि भाई देख मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, सो आई एम बिजी, तू बाद में आ, बाद में आ, मैं आऊंगा तेरे साथ, मैं आने को मना नहीं कर रहा हूँ, बट तू बाद में आ, मैं पहले अपना काम करना चाहता हूँ। और अगर तब भी वो बंदा आपको फोर्स करता है कि नहीं चल भाई मेरे साथ टहल जाके, तो तू वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। उस बंदे को ना अच्छा ही है कि आप अपनी जिंदगी के बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि एक चीज याद रखिए, बुरा वक्त सबका आता है, ठीक है, और वो बंदा आपके बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देगा। आपको अपना ही टाइम मैनेजमेंट और हर एक चीज बुरे वक्त के लिए तैयार रहना है, ये चीज समझिए। और रही बात, मैंने कहा था डिसिप्लिन की, तो भाई डिसिप्लिन वो नहीं है जो हम लोगों को 12th तक सिखाया जाता है, ऐसे ऊपर तक का बटन बंद करके टाई लगा के आओ, बेल्ट यहाँ तक, पेंट लो, पैंट्स आपके लो वेस्ट नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलाना ढिमाका लर्न लेसन जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिसिप्लिन का साफ और साफ एक मतलब है टू डू द थिंग्स विच आर नेसेसरी टू बी डन। फिर से समझिए मेरी बात, टू डू द थिंग्स विच आर नेसेसरी टू बी कंप्लीटेड। जो चीजें जरूरी है कंप्लीट करना उन्हें उसी दिन कंप्लीट करिए, यही डिसिप्लिन है आपका, और कुछ डिसिप्लिन नहीं होता है। अब्राहम लिंकन ने भी एक कोट लिखा है, वी डोंट नीड टू बी स्मार्टर देन अदर्स, वी जस्ट नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड देन अदर्स। डिसिप्लिन में ही आपके कंसिस्टेंसी आ जाती है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप पर डे एक घंटा पढ़ते हैं तो आप एक घंटा पढ़िए, चाहे जैसे भी पढ़िए, रो के पढ़िए, गा के पढ़िए, बैठिए और धीरे धीरे इन नंबर ऑफ आवर्स को इंक्रीज करिए अपने। ये चीज ना मेरे दोस्त छोटी सी आपको समझनी पड़ेगी, जिंदगी इतनी ना, जो लोग ये कह के चले आते हैं कि आप दो चीजें याद रखिए, कि कुछ लोग कह देते हैं कि ये बहुत कठिन नहीं था, फिर वहीं पर कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं ये बहुत आसान, ये बहुत कठिन था। दो चीजें हैं, इट वॉज टू इजी, इट वॉज टू हार्ड। मैं कहता हूँ दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं। कोई चीज बहुत आसान नहीं होती और कोई चीज बहुत टफ नहीं होती, वो ना आप आसान और टफ अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करते हैं कि ये चीज टफ है, ये चीज टफ है, ये चीज टफ है। फॉर एग्जांपल मैंने काफी सारे अपने दोस्तों को से पूछा है, बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई मुझे ना डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता है, ठीक है, साइड से एक पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आता। तो कमी कहाँ है मैं आपको बताता हूँ, वो ऐसे बंदे हैं ना जो कि अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे देते ही नहीं, वो वहाँ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप टाइम देंगे तो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी सीख के नहीं आता है ऊपर से, यही सबको सीखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही मेरे दोस्त, मैं तो बस यही चाहूँगा कि आप मेहनत करें, लॉकडाउन है इसका कायदे से इस्तेमाल करिए, लॉकडाउन खिंचता जा रहा है, ये वीडियो सबके लिए है, खाली मेरे स्टैट्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये एक लाइफ की जनरल सी बात है, मेरे मन में आया तो मैंने कह दिया। और अगर आपको कुछ भी लगा हो कि मैं कुछ ठीक कह रहा हूँ, कुछ अच्छा मैंने बोला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही हम लोग बातें करते रहेंगे। और कल आप स्टे ट्यून फॉर द न्यू वीडियो ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और शायद कल से परसों तक एक जियोलॉजी की वीडियो आ जाएगी, सर उस पर काम कर रहे हैं, आ जाएगी वीडियो आपकी। चलिए, थैंक यू, दिस इज योर फ्रेंड प्रसून सिंह।